बौखलाए हैं तो अनाप सुना बयान दे रहे हैं, बेतुका बात। उन लोगों के पास जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा है। सरकार की शोर बीजेपी के एजेंट है, तेजस्वी यादव ने कहा है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं काजल आपके साथ। एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर हम बात कर ले या फिर पूर्व मंत्री की बात कर ले, कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए हम लोग के पास या फिर जनता के पास मैसेज पहुंचाना चाहती है। वहीं पे लेसी सिंह भी कहीं पीछे नहीं हटी है, और लेसी सिंह क्या कुछ कह रही हैं पहले आप एक बार नजर डाल लीजिए। सुने नहीं है, चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, सही में हम अभी देखे नहीं ना सुने भी। मनोज झा ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि राजभवन से अधिकारियों को कॉल जा रहा है, सरकार बदल लेगी तो परिस्थिति खूब बदलेगी। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। जनता का समर्थन भी नहीं है, ना कोई मुद्दा लेके जनता के बीच जा रहे हैं, तो बौखलाए हैं तो अनाप सुना बयान दे रहे हैं। ये मनोज झा ने कहा है, एक और बात कहा है कि भगवान पीएम ने कहा है कि हमें भगवान दूत बनाकर भेजे हैं, ताकि अगर हम लोग घर में बोलेंगे ऐसा तो मुझे लोग डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे, ऐसा कह रहे मनोज झा। देखिए, उन लोगों के बात पर प्रतिक्रिया देना ही बेतुका बात है। उन लोगों के पास जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा है। जनता का समर्थन NDA के पक्ष में है, इसलिए वो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अनाप सनाप बोल रहे हैं, इसलिए इस तरह का है कि दिमागी हालत ठीक टाइप नहीं है, मतलब अब इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। इस तरह के बेतुका बयान का हम लोगों को प्रतिक्रिया दी। किशोर मैडम, प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है, तेजस्वी यादव ने कहा है। अब उन लोगों का कहना नहीं कहना उस पर हम लोग को ज्यादा, अब हम लेट हो जाएगा। तो देखा आपने उनका ये कहना है, सबसे पहली बात जो मनोज झा ने कहा था उन पे ये कहना है कि उनकी बातों को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और साथ ही साथ बिहार की जनता को भी मतलब नहीं है, और बिहार की जनता कहीं ना कहीं अब महागठबंधन की सरकार से खुश नहीं है, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और बौखलाकर ये सब बात करें। वही दरभंगा में बुर्गा के मतदान करने के मामले पर लेसी सिंह ने कहा है कि उनको उसकी जानकारी नहीं है। वही मनोज झा के द्वारा अधिकारियों की चेतावनी दिए जाने के मामले में लेसी सिंह ने कहा है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता का समर्थन भी नहीं है, ना कोई मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, इसीलिए बौखलाकर बयान दे रहे हैं। मनोज झा के द्वारा PM पर की गई टिप्पणी पर लेसी सिंह ने कहा है कि उन लोगों का बयान पर प्रतिक्रिया देना बेतुका है, उन लोगों के पास जनता का समर्थन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सुन सकते हैं कि ये पूरे व्याख्यान में आपको ये सुनने के लिए मिलेगा कि मनोज झा के बयान कर ले या फिर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से लड़ाई हुई थी, तो उन पर इनका ये कहना है कि ये लोग बौखलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग हारने वाले हैं, ना जनता का समर्थन है, ना ये लोग जीतने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसी बीच से बौखला कर ये लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी और NDA सोच कर कुछ ना कुछ जवाब दे। इसी चीज़ पर उन्होंने कहा है कि हमें उससे मतलब नहीं है, जनता का भी समर्थन नहीं है, ना ही वो जीतने वाले हैं, तो बौखलाकर उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, उससे हम लोग का मतलब नहीं है, जनता अब उन पे भरोसा नहीं करती है। अब देखना रहेगा कि चुनावी सरगर्मी के बीच में जो 4 तारीख को नतीजे निकल के आते हैं उसमें क्या कुछ होता है। बने रहे देशवा न्यूज़ के।